नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन से निकलकर कोरोना वायरस ने दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हर कोई इस वायरस से परेशान है और इस बड़ी मुसीबत को देखते हुए पीएम मोदी ने भी 21 दिनों के लिए देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं। तो वही खेल जगत भी पीएम मोदी के इस आह्वान को पूरा सपोर्ट कर रहा है। कई बड़े खिलाड़ी देश के लोगों से इस लॉकडाउन को पूरी तरह से सपोर्ट करने की सलाह भी दे रहे हैं। कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री, सहवाग समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस मसले पर अपनी राय रखी। पीएम मोदी की घोषणा के बाद विराट ने सोशल मीडिया पर लिखा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पूरा देश 21 दिन तक लॉकडाउन में रहेगा, मेरा भी आपसे आग्रह है कि प्लीज घर पर ही रहें। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय है। तो वही भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने कहा, इस समय इसकी जरूरत है, सबसे शानदार नेतृत्व। तो वहीं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भी इसका सपोर्ट किया। उन्होंने अपने हिंदी टीचर क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी की मदद से एक पोस्ट हिंदी में सोशल मीडिया पर शेयर किया। उनके अलावा पूर्व धुरंधर ओपनर वीरेंद्र सहवाग, भारतीय स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ साथ पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी ट्वीट करके लोगों से इस लॉकडाउन के समर्थन की बात कही। वैसे आपको बता दें कि ये महामारी कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा हम चीन, इटली, ईरान, स्पेन और अमेरिका जैसे देशों से लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें से कई देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था भी भारत से बेहतर है। तो अगर वो संपन्न देश भी इस महामारी का कोई इलाज नहीं खोज पा रहे, तो अगर ये भारत में फैल गई तो क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। इसके भयानक परिणामों का जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषण में किया भी था। मोदी ने कहा था कि कैसे ये वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है और किस तरह से इस वायरस को बढ़ने से रोका जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और कई लाख लोग इससे संक्रमित हैं। भारत में भी इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है। तो आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। तो अगर वक्त रहते हम संभल गए तो बेहतर है। तो हम भी आपसे ये अनुरोध करते हैं कि हालात को समझते हुए और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कम से कम घरों से निकलो और देश को सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी निभाओ। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की
सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम, आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है, वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए। वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने, कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। साथियों, एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अनजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति
सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन लग गए थे, यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे।